हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज है 6 जुलाई, देखते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहले रोड मैप की वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कल वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर करंट अफेयर देखेंगे और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे, सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है डी, सभी सिक्के चलवाए थे उन्होंने। तो अब देखते हैं हमारे करंट अफेयर। आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए लोगों के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अनूठा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है सी विजिल, पी विजिल, ई विजिल या एम विजिल। तो राइट आंसर है सी विजिल, ए। खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी ने नई दिल्ली में अपनी ई मार्केटिंग प्रणाली केआईएमआईएस लॉन्च की है। केआईएमआईएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इन्फेलिबल सिस्टम, खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफोग्राफिक सिस्टम और खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो राइट आंसर है डी, खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए CRIF से फंड आवंटन पर फैसला करने के लिए एक मंत्री पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शंस है वित्त मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री या फिर वाणिज्य मंत्री। तो राइट आंसर है ए, वित्त मंत्री। दुनिया का आल अखिल डिजिटल आर्ट म्यूजियम किस देश में खोला गया है? ऑप्शंस जर्मनी, जापान, इटली या भारत। तो राइट आंसर है बी, जापान। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 5 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई या 2 जुलाई। तो राइट आंसर है 2 जुलाई। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन नीति आयोग द्वारा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शंस है भोपाल, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो राइट आंसर है नई दिल्ली। मिस यूनिवर्स स्पेन चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? कैट्रियानो ग्रे, जिन्ना तलकोव, एंजेला पॉन्स या फिर लेजेंड्रा डेडेरियो। तो राइट आंसर है सी, एंजेला पॉन्स। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के नए चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तीर्थ सिंह ठाकुर, आर एम लोडा, एल नरसिम्हा रेड्डी या फिर जगदीश शरण वर्मा। तो राइट आंसर है सी, एल नरसिम्हा रेड्डी। केरल सरकार ने राज्य के लिए एक आधिकारिक गीत चुनने के लिए एक पैनल स्थापित किया है। पैनल का संयोजक कौन है? केपी मोहन, एजाचेरी रामचंद्रन, एमएम बशीर या फिर रानी जॉर्ज। तो राइट आंसर है डी, रानी जॉर्ज। चित्रकोट जलप्रपात किस प्रदेश में है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में भी है और ये जनरल जीके का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। तो इस तरह से मैं आपको डेली जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो अगर आप आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आरपीएफ, ग्रेड डी या लोको पायलट किसी भी एग्जाम की, जो गवर्नमेंट एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीखना है। और जब आप सीख जाएंगे तो आपकी जॉब अपने आप लग जाएगी। तो सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए आप डेली कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट कीजिए। जैसे कि मैं आपको डेली से 15 से 20 क्वेश्चन देता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देता हूँ, दूसरी वीडियोस के अंदर भी मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए और याद रखिए ताकि जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बिना गलत किए सही तरह से अटेम्प्ट करें और आपके मार्क्स आ सके और आपकी जॉब लग सके। तो इसलिए फ्रेंड्स, डेली इन वीडियोस को फॉलो किया कीजिए और इनको याद किया कीजिए। या तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया कीजिए, अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को दूसरे या तीसरे दिन दोबारा देख लिया कीजिए ताकि जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनकी रिवीजन हो सके। तो अब देखते हैं हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। गुप्त राजाओं ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार, ड्रम, रूपक या स्वर्ण। तो ऑप्शन देखिए, केवल चार, केवल एक, एक और तीन, एक और चार। तो गुप्त राजाओं ने दिनार और स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, बृहद्रथ। अभिधम में कथावत्यु के बारे में किसने लिखा? अशोक घोष, महाकश्यप, मुगलीपुत तिस्सु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, मुगलीपुत तिस्सु। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सूत्रामणि, राजसू,
पुत्रेष्टि या अश्वमेध। राइट आंसर है सोत्रामणि। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषणी, वितास्ता, गंगा या सिंधु? तो राइट आंसर है ए, पुरुषणी। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पुरुषणी किस नदी को कहते हैं। तो ये कल के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो इसमें आपका ही फायदा, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए। कल मैं इसका राइट आंसर तो बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया कीजिए। इससे यह रहता है कि हाँ, आप एफर्ट्स जरूर कर रहे हैं, पढ़ने के एफर्ट्स आप कर रहे हैं। कल के क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों ने दिया था, कईयों का आंसर गलत था, कईयों का आंसर बिल्कुल सही था। तो जिनका सही है उनको पता है कि हमने सही आंसर दिया है, जिनका गलत था उनको पता है कि चलो नेक्स्ट टाइम उनका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज 6 जुलाई है और आज आपको 3-4 लेक्चर, जो कि सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, आरपीएफ का जो क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है उससे रिलेटेड है। तो आपका 1 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा और सीपीओ के एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा एग्जाम, पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा और आपका जो टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।